अस्सलाम वालेकुम। तनवीर यार, तुमने कामरान को नहीं देखा? देखा तो है, क्लासरूम से निकलते आगे का पता नहीं। यार इसका भी कुछ पता नहीं चलता, मुझे कह रहा था कि आ रहा हूँ, अब पता नहीं कहाँ चला गया। लो देखो आ गया कामरान। क्यों भाई, बड़ा बेसब्री से इंतजार हो रहा है मेरा। आज वीकेंड है जनाब, तो प्लान बनाना तुम्हारा काम है। प्लान तो तैयार है, पर कहाँ? नवीद के घर, रात 9 बजे पूरे। बस फिर ठीक है, मिलते हैं रात को 9 बजे। ओहो मुझे याद आया, मुझे तो रात को किसी से बात करनी थी। पैकेज करवा रखा है। तुम किसी और से बात करो, हमारी खैर है। अरे अरे तुम नाराज क्यों होते हो, तुम पर तो ऐसे कई फोन कुर्बान। पक्का? पक्का, बातें तो खेलते हुए भी हो सकती हैं। ये हुई ना बात। ओ ये रही मेरी चाल। ओ हाँ हाँ तुम बोलती रहो, तुम्हारी भी सुन रहा हूँ। ओ चल भाई। बता भाई। ये लो मेरी चाल, तुम बड़े खिलाड़ी बने फिरते हो। वाह भाई वाह, क्या चाल चली है। ये रही मेरी पान की दुक्की। पान की दुक्की का जवाब तो दो। पान की दुक्की से याद आया, पान भी मंगवा के फ्रिज में रखे हुए हैं। वाह भाई वाह। पे से सिर्फ पानी रखा है या पीने पिलाने का सामान भी रखा है कोई? अरे भाई हमारी महफिल हो और पीने पिलाने का बंदोबस्त ना हो, ऐसा कभी हुआ है? अरे भाई हुसैन ने हमारी महफिल में आने का फैसला कैसे कर लिया? मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि दोस्त चार हो तो हर काम आसान हो जाता है। हमारी तो तारीख ही चार दोस्तों ने रकम की है, और फिर दोस्तों से तो शान बढ़ती है। वाह भाई वाह, हुसैन ने तो क्या कमाल बात की है। हमारे दोस्त ही वो होते हैं जो लाजवाब होते हैं। दोस्त वो जो दोस्तों को मंजिल का पता दे। मेरे ख्याल से हमें कहीं जाना था, मोटरसाइकिल रेस पर। हाँ चलें। हाँ क्यों नहीं, ये हुई ना बात। चलो फिर निकालो अपनी अपनी बाइक। चलो हाँ भाई कैसा लगा? जबरदस्त यार, मजा आ गया। मैंने तो पहले ही कहा था जिंदगी बार बार नहीं मिलती, एंजॉय करो इसे। हाँ बिल्कुल ठीक कहा था, जिंदगी बार बार नहीं मिलती। अभी यारों की महफिलें तुमने देखी कहाँ हैं? हुसैन अभी तो हमारा फिल्म का प्रोग्राम है, चलोगे? हाँ अगर अच्छी हुई तो जरूर। मेरा ख्याल है बातें फिर कर लेंगे एक राउंड और ना लगा लें। मेरा ख्याल है मैं नमाज पढ़ लूँ, तुम लोग जरा राउंड लगा कर आओ। नमाज तो रोज रोज पढ़ते हो यार, ये काम थोड़ी ना हमने रोज करने हैं। नहीं नहीं हर चीज का एक वक्त होता है, नमाज मेरी ड्यूटी है और खेल मेरा शौक। अब शौक की खातिर ड्यूटी छोड़ी तो नहीं जा सकती ना, आप लोग जाएं राउंड लगा कर आए। चलो इसे पढ़ने दो नमाज, हम अभी राउंड लगा कर आते। चलो सोच क्या रहे हो, शुरू करो। मुझे लगता है इस बार मैं ही जीतूंगा। ना 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 हो ही नहीं सकता, इस बार तो बाली मैं ही जीतूंगा। चलो कोई भी जीते खेलो तो सही। हुसैन तुम क्या कहते हो? पता नहीं, गेम मुकम्मल होने के बाद ही पता चलेगा। कितने लगाने हैं? मेरी तरफ से ये 1000। ओके मेरी तरफ से भी ये 1000। मेरा 1000। हुसैन तुम? मेरा ख्याल है गेम को गेम ही रहने देना चाहिए,
इस तरह जुआ बन जाएगा। और जुआ तो हराम है। हाँ, इस्लाम हमें किसी चीज से मना नहीं करता, लेकिन हलाल और हराम में फर्क करने को कहता है। अच्छा भाई हुसैन, तुम ना लगाओ, हमें तो खेलने दो। जैसे तुम्हारी मर्जी। हुसैन साहब, अभी तो पीने पिलाने का दौर भी चलना है। और मुफ्त की तो मौलवी को भी हलाल होती है, क्यों भाई हुसैन? नहीं मेरे दोस्त, हराम हराम ही होता है, चाहे वो मुफ्त का ही क्यों ना हो। ये मुहावरा किसी गलत इंसान ने बनाया है। हुसैन तुम सिर्फ खेलो, ना लगाओ ना पियो। सही है। हेलो, ठीक है। अरे कामरान, किधर बैठे हो? वैसे ही हवाखोरी कर रहा हूँ यार। हवाखोरी कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो? कुछ और क्या करना है यार। आओ फिर नमाज पढ़ने चलते हैं। वो मुझे कुछ काम है तो अगली दफा चलूंगा तुम्हारे साथ। देखो तुमने जहाँ कहा मैं तुम्हारे साथ गया, अब तुम भी दोस्त होने का। अच्छा चलो। माशाल्लाह, मुझे फख्र है कि मैंने बिल्कुल ठीक दोस्त बनाया। मतलब? दोस्त वही होता है जो फला के रास्ते पर आपके साथ हो। समझे? समझ जाओगे। आओ चलते हैं। आज नमाज में आते हुए 3 दिन हो गए, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, ये एक अच्छा काम है। माशाल्लाह, नमाज के और भी बहुत से फायदे हैं, वो तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएंगे। अच्छा सुनो दोस्त, अब नमाज तो नहीं छोड़ोगे? नहीं हरगिज़ नहीं, ये एक अच्छा काम। माशाल्लाह, चलो फिर अपने दोस्त के कहने पर एक काम और करो। बोलो। इंटरनेट यूज करते हो? हाँ। आज जब इंटरनेट यूज करो तो यूट्यूब पे किसी भी एक मौलाना का एक बयान सुनना, वो तुम्हारी और रहनुमाई कर देंगे। आज मैं अपने अल्लाह से कह सकता हूँ कि मैंने अपने दोस्त के साथ दोस्ती का हक अदा कर दिया। चले चलो। جعلت قرة عيني في الصلاة، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اور تم لوگ صرف اچھے بھلے نمازی امتحان میں نماز چھوڑ دیں گے، پڑھائی کا زور پڑ گیا تو تمہارا یہ پیسہ تمہیں کیا عزت دے گا؟ کہاں جانا ہے وہ تو سامنے رکھو گا، اچانک موت آ جائے کیا پلے ہوگا؟ 4 مہینے بعد مر گیا تو اس کا باپ اس کے سرانے کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا، اگر مجھے پتا ہوتا تیری اتنی مختصر زندگی ہے تو میں یہ کام تجھ سے کبھی نہ کروں۔ رضا یہ اپنے ہاتھوں سے تو نے اپنے بیٹے کو ہلاک کر دیا۔ والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔